एंड आई एम थैंकफुल टू द पीपल दैट दे हैव कोऑपरेटेड इन सच अ ग्रेट नंबर्स विद अस सिंस मॉर्निंग वी आर सीइंग दैट पीपल आर कमिंग टू द काउंटिंग सेंटर्स एंड डूइंग देयर ड्यूटीज वेरी पीसफुली. वी हैव ऑल्सो इम्पोज सर्टन ट्रैफिक रिस्ट्रिक्शंस अराउंड द टाउन एंड सो फार पीपल हैव बीन कोऑपरेटिंग विद अस वेरी वेरी effectively and I am really thankful to them. I am aware that people are facing certain difficulties also due to the traffic divergence, but so far they have been cooperating extremely well with us. I just request them that they should maintain this cooperation till late evening. As soon as the counting gets over and people return to their homes, we will restore the traffic also. देखिए सब लोग जो भी आज अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के लोग यहाँ पर मौजूद हैं, मैं उन सब से यही गुजारिश करता हूँ कि उनको जो भी अपना विक्ट्री सेलिब्रेशन वगैरह करना है वो इस काउंटिंग एरिया से दूर करें, क्योंकि काउंटिंग एरिया के 100 मीटर के दायरे में जो है एक रिस्ट्रिक्टेड जोन है. यहाँ पर किसी भी तरीके से जो है अनलॉफुल असेंबली अलाउ नहीं की जाएगी. तो लोगों से गुजारिश है कि वो अमनो अमान से और जो है पूरे पीसफुल तरीके से जो है जो भी अपना इजहार करना चाहते हैं वो करें. लोगों का बहुत अच्छा कोऑपरेशन मिल रहा है. हमने वोटिंग के दिन भी देखा 20 मई को कि लोगों ने बढ़ चढ़ कर वोटिंग में हिस्सा लिया, और आज भी हम देख रहे हैं कि लोग अच्छे से यहाँ पर मौजूद है, काउंटिंग इलाके में भी मौजूद है, काउंटिंग हॉल्स में भी मौजूद है. हमारे तमाम ऑफिसर्स और जवान जो है तैनात है पूरे शहर में, काउंटिंग एरिया में भी, और लेकिन अब तक जो है सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा है, पीसफुली चल रहा है, और मुझे यकीन है शाम तक ऐसे ही पीसफुली रहेगा. सर लोगों से यही गुजारिश है कि वो कहीं पर भी जो है ब्रीच ऑफ पीस ना करे, अनलॉफुल असेंबली ना करे, और जो है पुलिस और सिक्योरिटी इंतजामिया के साथ कोऑपरेट करे.